शिक्षार्थियों नमस्कार। आज के इस शिक्षण सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सोमू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, कोर्स 507 की इकाई 5 का जो विषय है पूर्ण विद्यालय उपागम, उस पर आपके समक्ष अपने विचार रखना चाहूँगा। पूर्ण विद्यालय उपागम को समझने से पहले हमें विद्यालय के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ऐसा नहीं है कि विद्यालय से आप लोग परिचित नहीं हैं, लेकिन तकनीकी रूप से अगर हम देखें तो विद्यालय को अगर परिभाषित किया जाए कि विद्यालय है क्या, इससे हम प्रारंभ करते हैं अपनी बात को। स्कूल समूह में सीखने और सिखाने के लिए नामित एक स्थान है। स्कूल को एक ऐसे स्थान के रूप में वर्णित किया जाता है जहाँ अध्ययन के पाठ्यक्रम सरकार या कानून द्वारा गठित बोर्ड या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य एजेंसी द्वारा निर्धारित या मान्यता प्राप्त होते हैं, जो अपने मानक या दक्षता के संबंध में एक या अधिक अथॉरिटी को संतुष्ट करते हैं। तो स्कूल की अगर हम बात करें, एक औपचारिक प्रयास होता है सरकार द्वारा, उसके कुछ नियम कुछ प्रावधानों के अंतर्गत ही इनको खोला जाता है। विद्यालय एक ऐसा स्थान है जो शिक्षकों से पर्याप्त रूप से सुसज्जित हैं, जहां विद्यार्थी सीखने में लगे हुए हैं, और विद्यालयों में उचित स्थान के साथ साथ पर्याप्त कक्ष होते हैं, या हम कहें पूरा एक भवन होता है। विद्यालयों में फर्नीचर, खेल के मैदान, शौचालय, पेयजल की सुविधा और अन्य संसाधन भी उपलब्ध होते हैं। बच्चों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए एक पर्यावरण वहाँ पर अवश्य आपको प्रतिबिंबित होगा, जहाँ पर भी आप देखेंगे कि विद्यालय है। अब हम आपके सामने पूर्ण विद्यालय उपागम का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, पहुँच। किसी भी विद्यालय से जुड़ा मुद्दा है ये एक्सेस का। इसके संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक विद्यालय को कितनी दूरी पर होना चाहिए, एक विद्यालय को इतनी दूरी पर होना चाहिए कि बच्चे आसानी से पहुंच सकें। इसका तात्पर्य यह है कि यदि स्कूल आसपास की बस्ती में स्थित नहीं है जहां बच्चे रहते हैं, तो वे औपचारिक रूप से नामांकित तो हो जाएंगे, लेकिन विद्यालयी शिक्षा पूरी करने की संभावना बहुत कम ही रहेगी। निवास स्थानों से विद्यालयों की दूरी विशेष रूप से देश की ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में एक गंभीर समस्या है। हमारे सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत और शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है, उसके अंतर्गत स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जो बस्ती है उससे 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालय अवश्य हो, और 2 प्राथमिक विद्यालयों पर 1 उच्च प्राथमिक विद्यालय अवश्य हो। आइए अब हम देखते हैं कि हमारे भारत देश के विभिन्न राज्यों में अभी भी कुछ स्थितियां ऐसी हैं जो यह बताती हैं कि अभी भी हमारे जो बच्चे हैं विद्यालय तक पहुंचने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। पहला केस है आंध्र प्रदेश उड़ीसा का सीमावर्ती एक गांव है कोरापुट। वहां के बच्चों को स्कूल पहुँचने के लिए 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यह कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जिससे आप सभी शिक्षार्थी परिचित नहीं हैं। आप सभी शिक्षार्थियों में से कुछ शिक्षार्थी ऐसे होंगे जो ऐसे बच्चों से अवश्य परिचित होंगे जो विद्यालय काफ़ी दूर से आते हैं, या तो पैदल यह दूरी तय करते हैं या फिर साइकिल से यात्रा करके वो विद्यालय तक पहुँचते हैं। इसी तरह का एक और केस है राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर के दुदापुरा गांव में। स्कूल एक पहाड़ी पर स्थित है, छोटे बच्चों को वहां जाने में मुश्किल होती है। मानसून के दौरान रास्ता पानी के कारण अवरुद्ध हो जाता है और स्कूल एक समय में कभी हफ्तों या फिर कभी महीनों तक बंद रहता है। अब यह भी एक ऐसी परिस्थिति है जो कि बच्चों की विद्यालय तक पहुँच को अवरुद्ध करती है। मानसून की अगर हम बात करें या रास्ते ख़राब होने की बात करें, तो कहीं ना कहीं बच्चों की जो पहुंच है
वो प्रभावित होती है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का जिले का चकतोदर एक ऐसा गांव है जिसमें कोई स्कूल नहीं है। बच्चों को पड़ोस के सरकारी स्कूल में जाने के लिए बाजार के रास्ते वहां जाना पड़ता है, तो दूरी भी अधिक है और बच्चों को प्रतिदिन बाजार से अपनी यात्रा करनी होती है। बाजार में यातायात के साधनों का आवागमन काफ़ी अधिक रहता है, इस कारण बच्चे असुरक्षित भी महसूस करते हैं। आप सभी भी आए दिन इस तरह की खबरें पढ़ते होंगे कि स्कूली बच्चे को ट्रक ने या बस ने या किसी अन्य वाहन ने कुचला। ये खबर इसीलिए है कि बच्चों का जो पहुंच का मार्ग है वो बाज़ार के रास्ते ही जाता है, और इस कारण बहुत से हमारे जो अभिभावक हैं बच्चों को स्कूल भेजने से भी कतराते हैं। नामांकन तो करा देते हैं लेकिन बच्चों का जो स्कूल में उपस्थिति है वो नियमित नहीं हो पाता। मध्य प्रदेश के सीधी ज़िले में अटारवन में स्थित स्कूल कई गांवों की सेवा करता है। उस स्कूल में नामांकित बच्चे अधिकांशतः 2 से 3 किलोमीटर की यात्रा करके विद्यालय पहुंचते हैं। यह भी स्पष्ट कर रहा है आप सभी के समक्ष कि जहां प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, वह प्राथमिक विद्यालय 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर बच्चों के आवास से स्थित है। आपने देखा इन सारी परिस्थितियों में कि या तो गांव में विद्यालय ना होना या विद्यालय तक पहुंच का जो रास्ता है उसका किसी कारण बाधित होना, ये सारे मुद्दे बच्चों को स्कूल तक पहुंचने में बाधा पैदा करते हैं। पूर्ण विद्यालय उपागम में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा गुणवत्ता की अगर हम बात करें, सीधे सीधे पहुंच और समता से प्रभावित होता है। जब तक विद्यालयों तक बच्चों की पहुंच आसान नहीं होगी और सारे बच्चों को जो शैक्षिक अवसर मिल रहे हैं वो समान रूप से नहीं मिल पाएंगे, तो शैक्षणिक गुणवत्ता की जो हम बात करते हैं, अधिगम के स्तर में सुधार की जो हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत दूर की बात साबित होती है। पूर्ण विद्यालय उपागम के अंतर्गत इन्हीं दोनों मुद्दों पर हम गंभीरता से चर्चा करते हैं, पहुँच और समता। समता की अगर हम बात करें, इक्विटी की, तो सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख लक्ष्यों में से एक जेंडर गैप और दूसरा सोशल कैटेगरी गैप, सामाजिक श्रेणी गैप, इसको कम करना और सभी बच्चों को एक समान मुख्य धारा से जोड़ना और शिक्षा का अधिकार अधिनियम में अधिकार आधारित और समग्र रूप से बहिष्करण के मुद्दों को संबोधित किया गया है। समता संबंधी कुछ मुद्दे हैं, आप सभी भी इस बात से परिचित होंगे, आपके विद्यालय में जो लड़कियां नामांकित हैं, कभी आपने विचार किया कि लड़कियां नियमित रूप से विद्यालय क्यों नहीं आती हैं? बहुत से अभिभावक माता पिता लड़कियों को नियमित रूप से विद्यालय नहीं भेजते क्योंकि उनको पता है कि रास्ते में उत्पीड़न की संभावनाएं हैं। छोटी छोटी बच्चियों को भी उत्पीड़ित किया जा सकता है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, बच्चियों को विद्यालय तक पहुंचने में एक बाधा का काम करता है। तो फिर कहाँ रही समानता की बात, कैसे उनको समान अवसर विद्यालय में मिलेगा? हमारे जनजातीय क्षेत्रों के जो बच्चे हैं या मुस्लिम समुदाय के जो बच्चे हैं, श्रमिक हैं, शहरी वंचित हैं या प्रवासी बच्चे, इन सबों को भी अलग अलग किस्म की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपके सामने श्रमिक बच्चों की एक छोटी सी समस्या का हम जिक्र करना चाहेंगे। आप सभी परिचित हैं कि गाँव में गरीबी है। मिर्ज़ापुर विंध्याचल का एक ज़िला है, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मिर्ज़ापुर। वहाँ पर आप, मैंने ये अनुभव किया
कि जब धान की रुपाई होती है तो उस समय धान की रुपाई के समय विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बहुत तेज़ी से कम हो जाती है, विशेष रूप से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में। ऐसा इसलिए होता है कि ये सारे बच्चे धान की रुपाई में जाकर के अपना योगदान देते हैं, या तो अपने खेत में या किसी अन्य व्यक्ति के खेत में मजदूरी के रूप में। और छोटे बच्चे धान की रुपाई बहुत तेज़ी से करते हैं, और बच्चे या फिर गेहूं की कटाई का मसला हो, या एक और भी रोचक बात पता चली कि जिस दिन गांव में शादी होती है उस दिन बच्चे विद्यालय नहीं आते। आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि भाई शादी तो रात में होती है, दिन में बच्चे क्यों नहीं आते। शादी में उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चे सुबह से ही अपना योगदान देते हैं जिस घर में शादी होती है, और वहाँ पर सहयोग करते हैं और शादी में इंजॉय भी करते हैं और स्वादिष्ट भोजन का आनंद भी उठाते हैं, और उस दिन सुबह से ही स्कूल नहीं आते हैं। अपने शिक्षकों से वो बताते भी हैं कुछ बच्चे कि हम कल नहीं आ पाएंगे, कल गांव में शादी है। तो छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से बच्चे हमारे नियमित रूप से विद्यालय नहीं आ पाते हैं। और कहीं ना कहीं जो शैक्षिक अवसरों की समानता है वो प्रभावित होती है। विशेष जरूरत वाले बच्चे जिनकी शारीरिक आवश्यकताएं, मानसिक आवश्यकताएं विशेष प्रकार की हैं, उनका भी एक श्रेणी है, उनकी भी अपनी चुनौतियां हैं विद्यालय तक पहुंचने में, और RTE के प्रावधानों के अनुसार उनको भी गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान है। उनके लिए विद्यालय में आधारभूत संरचना में परिवर्तन किया जाता है, रैंप की व्यवस्था करने का भी प्रावधान है जिससे कि उनकी पहुंच आसान हो कक्षा तक। सर्व शिक्षा अभियान जो राष्ट्रीय कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, इस कार्यक्रम ने भी प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। लड़कियों का नामांकन विद्यालयों में बहुत तेज़ी से बढ़ा। लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय भी खोले गए। महिला समाख्या कार्यक्रम भी आरंभ किया गया। तो सर्व शिक्षा अभियान ने भी लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सकारात्मक सुधार किया। पहुंच और समता से जुड़े कुछ मुद्दे हैं। ये पहुंच और समता एक मुद्दा भी है और एक महत्वपूर्ण चुनौती भी है जिसे हल करने की आवश्यकता है। RTE एक्ट के मुताबिक शिक्षा में समता हासिल करने के लिए शिक्षा में गुणात्मक सुधार की ज़रूरत है। यह गुणवत्ता के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित है। एक अच्छी पाठ्यचर्या का होना, अच्छी पाठ्य पुस्तकों का वितरण, बच्चों को सीखने सिखाने की जो सामग्री है उसका गुणवत्तापूर्ण होना, बुनियादी ढांचा अच्छा होना, शिक्षकों का समय समय पर प्रशिक्षण होना, अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति, ये सारे मुद्दे गुणवत्ता से जुड़े हुए हैं। अगर हम पूर्ण विद्यालय उपागम की बात करें तो इन सारे पहलुओं पर हमको सोचना होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मुताबिक शिक्षा में समता हासिल करने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की ज़रूरत है। कुछ उपाय सुझाए गए हैं। परिवहन की सुविधा अगर प्रदान की जाए, बच्चों को स्कूल ले जाने के दौरान अगर कुछ अनुरक्षा हो सके, एस्कॉर्ट हो सके तो और बेहतर हो सकता है। परामर्श प्रदान किया जाए बच्चों को, उनके अभिभावकों को, स्कूल के साथ साथ घरेलू बोझ को कैसे संतुलित करें बच्चे, इसमें उनकी मदद करना। अकादमिक समर्थन करना, माता पिता से निरंतर संपर्क में रहना शिक्षक का, समुदाय से समर्थन मांगना, समुदाय से अंतःक्रिया करना, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इन सारे मुद्दों के बिना शिक्षा में हम समता की बात नहीं कर सकते। और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा की शिक्षक की समावेशी सोच। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात होती है, इंक्लूसिव अप्रोच की बात होती है आज, क्या है ये समावेशी सोच? कुछ प्रथाएं हैं जो विद्यालयों में ऑब्जर्व की गई हैं जिनको न किए जाने की बात की जाती है। ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो विद्यालयों में होती हैं, अगर न हो तो वहाँ पर समावेशी वातावरण तैयार किया जा सकता है। जैसे बैठने की व्यवस्था,
वंचित वर्ग के बच्चों को पीछे की बेंच पर बैठाना, अगर शिक्षक इस तरीके का प्रयास करता है कि वह अनुसूचित जाति के बच्चों को, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को या लड़कियों को पीछे की बेंच पर प्रयासपूर्वक बैठाता है तो यह उचित नहीं है। उन्हें स्कूल के कार्यों और गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं देना, वंचित वर्ग के बच्चों से बात न करना, उनका होमवर्क, कक्षा कार्य की जाँच न करना, यह भी अनुचित है। उन्हें पानी के संसाधनों, स्कूल कैंटीन और स्कूल की अन्य सुविधाओं को उपयोग करने से रोकना, स्कूल परिसर, शौचालय की सफाई जैसे कार्यों को करने के लिए कहना, ये सारी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो कि एक शिक्षक को नहीं करना चाहिए। हम बात कर रहे हैं समावेशी सोच की। हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करते हुए एक शिक्षक के रूप में आपको शिक्षा के समान अवसर, गुणवत्तापूर्ण अवसर समस्त विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना है। अब आती है बात गुणवत्ता की। गुणवत्ता के लिए हमारे शिक्षा का अधिकार अधिनियम में विशेष रूप से 8 कारकों का उल्लेख किया गया है जिन्हें पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रियाओं को तैयार करते समय विचार किया जाना चाहिए। ये 8 कारक बाल केंद्रित धारणाओं पर आधारित हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और NCF 2005 का आधार भी हैं। पहला जो कारक है, संवैधानिक मूल्यों के अनुरूपता, अर्थात जो प्रारंभिक शिक्षा है उसमें ऐसी व्यवस्था जरूर हो कि संवैधानिक मूल्यों का विकास विद्यार्थियों में अवश्य हो। प्रारंभिक शिक्षा इस प्रकार आयोजित की जाए कि वह बच्चों में मूल्यों की न केवल समझ विकसित करे बल्कि बच्चे मूल्यनिष्ठ जीवन भी जीना सीखें। दूसरा जो कारक है, बच्चों का सर्वांगीण विकास। प्रारंभिक शिक्षा में इस तरीके की व्यवस्था हो, संसाधनों की उपलब्धता हो, ऐसे शिक्षक हों जो बच्चे के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा दे सकें। तीसरा कारक है, बच्चे के ज्ञान, क्षमता और प्रतिभा का निर्माण करना। पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का विकास करना चौथा महत्वपूर्ण कारक है। पांचवा जो कारक है, बच्चों के अनुकूल और बाल केंद्रित तरीके से गतिविधियों, खोज और अन्वेषण के माध्यम से सीखना, सीखने के अवसर मिले बच्चों को। जो बच्चों को प्रिय है, बच्चों को प्रिय क्या है आप सभी जानते हैं, बच्चों को खेलना पसंद है, तो क्यों ना हम खेल खेल में शिक्षण करें। बच्चों को आपस में बात करना पसंद है तो क्यों ना हम चर्चा के अवसर प्रदान करें। ऐसी गतिविधियां कराएं जिसमें बच्चों को कुछ करने का मौका मिले। कुछ बच्चे जोड़ तोड़ करें, गलतियां करेंगे, लेकिन एक शिक्षक के नाते आपको अवसर प्रदान करना है। बच्चे की मातृभाषा निर्देश के माध्यम के रूप में हो, बच्चे को भय, आघात और चिंता से मुक्त करना, बच्चे का ज्ञान और उसके उपयोग करने की क्षमता का व्यापक और निरंतर मूल्यांकन हो सके, यह भी आपको सुनिश्चित करना है। पूर्ण विद्यालय उपागम के अंतर्गत भौतिक सुविधाओं की भी बात होती है कि एक विद्यालय तभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकता है जहां समस्त आवश्यक भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हों, जिनमें स्वच्छ पेयजल, बालक बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय, बच्चों की साइकिल खड़ी करने की जगह, बाउंड्री वॉल, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था व रैंप, शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था, कक्षा कक्ष व खेल का मैदान। मध्यान्ह भोजन योजना आप सभी परिचित हैं, ये योजना कब आई, इसको लोकप्रियता मिली और यह बच्चों को स्कूल में संतुलित व पौष्टिक आहार सुनिश्चित करती है। MDM में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन मिले, सारे बच्चों को पर्याप्त भोजन मिले, यह भी सुनिश्चित करना एक शिक्षक का और ग्राम शिक्षा समिति का महत्वपूर्ण दायित्व है। RTE एक्ट के तहत इन सारी बातों के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान किए गए जिनकी अभी हमने बात की भौतिक सुविधाओं के रूप में। अब महत्वपूर्ण बात आती है कि सुविधाएं तो हो गई, अकादमिक वातावरण निर्मित करने के लिए सबसे ज़्यादा जिस बात पर आपको ध्यान देना होगा वह है बाल केंद्रित शैक्षणिक प्रक्रियाएँ। आपको अपने पढ़ाने लिखाने के तरीके में रचनात्मकता पर ध्यान देना होगा। आपको यह मानना होगा कि विद्यार्थी अपने पूर्व के अनुभवों से अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं, आपको केवल एक फैसिलिटेटर के रूप में आपको वातावरण निर्मित करना है।
विद्यार्थियों को समस्या समाधान विधि के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से, कई अन्य तरीकों से आप गतिविधियों का आयोजन करेंगे और उनके अंदर चिंतन का विकास, अवलोकन की क्षमता, पूछताछ का कौशल विकसित करने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे। और इन सब के लिए अत्यंत ही जरूरी है अधिगमकर्ता को समझना, उसका शारीरिक विकास, उसका स्वास्थ्य और विकासात्मक विशेषताओं को समझना एक शिक्षक के नाते बहुत ही जरूरी है। उसकी मानसिक योग्यताओं का आकलन आपको करना चाहिए, उसकी क्षमताओं को जांचना चाहिए कि किस क्षेत्र में ये बेहतर कर सकता है। साथ ही साथ उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को भी समझना अत्यंत ही आवश्यक है। बिना अधिगमकर्ता को समझे हुए आप उसके अधिगम स्तर में वृद्धि नहीं कर सकते। ये पहली शर्त है एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा माहौल बनाने की। आप आकलन के लिए, मूल्यांकन के लिए जो नई विधियाँ सजेस्ट की जा रही हैं, NCERT ने भी उसका जिक्र किया है, RTE एक्ट में भी उसको स्पष्ट किया गया है, उनको अपनाने पर जोर दिया गया। बच्चे के द्वारा की जाने वाली हर सकारात्मक गतिविधि को आप आकलन के दायरे में लाएं, उसको प्रोत्साहित करें। मूल्यांकन का लक्ष्य अधिगम उपलब्धि पर निरंतर फीडबैक प्रदान करना है। RTE एक्ट के प्रावधानों के तहत किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में असफल घोषित नहीं किया जा सकता है और ना ही उसे रोका जा सकता है, यह प्रावधान है। और ये बाल केंद्रित शिक्षा की जो कल्पना है NCEF 2005 के अनुरूप है, जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को महत्वपूर्ण बताती है। हमें ध्यान देना है कि किस तरीके से हम जो वर्तमान परीक्षा प्रणाली है उसको बाल केंद्रित शिक्षा के अनुरूप बना दें। एक बार पुनः आपके सामने मैं पुनरावृत्ति के लिए स्पष्ट कर दूं कि पूर्ण विद्यालय उपागम का जो मुद्दा है वो पहुंच, समता एवं गुणवत्ता से जुड़ा मुद्दा है। कोई भी विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तब तक प्रदान नहीं कर सकता जब तक बच्चों की पहुंच आसान ना हो, समान अवसर ना उपलब्ध हो, विद्यालय में पर्याप्त संसाधन ना हो और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित ना हो। आज की चर्चा को यहाँ विराम देता हूँ। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शिक्षण सत्र में एक बार पुनः मिलूँगा। धन्यवाद।